हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन अगर कुछ तुलसी के अचूक उपाय कर लिए जाए तो साल भर श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। भारतवर्ष त्यौहार और पूजन के लिए अधिक मान्यता रखता है, तो भारतवर्ष में संपूर्ण घरों में, सभी हिंदू घरों में भगवानों का अलग अलग अवतारों का अलग अलग विधि से भगवान का पूजन कहा गया है। यहाँ पर प्रत्येक घर में अपन मूर्तियों को देखने को मिलती हैं, जो कि इसमें विशेषतः प्रत्येक घर में भगवान गणेश तथा लड्डू गोपाल आदि देवताओं का मूर्ति रखा जाता है, तथा सबसे अधिक पूजन भगवान लड्डू गोपाल के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का किया जाता है। वहाँ पर इस समय भगवान श्री कृष्ण का जो पूजन करते हैं, तो उसमें किस प्रकार भगवान का पूजन करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए और किस भोग से क्या क्या फल प्राप्त होता है, यह भी अलग अलग विधान कहा गया है। तरह भगवान की सेवा पूजन किस प्रकार करना चाहिए, इसका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। इस वर्ष 2024 में जन्माष्टमी का जो पर्व आ रहा है, वह सोमवार के दिन 26 अगस्त को आ रहा है। इस दिन भगवान लड्डू गोपाल को भोग के साथ में तुलसी के कुछ मुख्य उपाय जब अपन करते हैं, तो उससे घर में धन्य धान की आदि की वृद्धि होती है, नौकरी में लाभ प्राप्त होता है तथा वैवाहिक जीवन में लाभ प्राप्त होता है। उसी प्रकार कुछ उपाय इस प्रकार हैं कि जब भी भगवान लड्डू गोपाल का पूजन करें, उनको स्नान आदि करवाने के पश्चात माखन मिश्री के साथ में तुलसी पत्री का भोग लगाया जाए, तो इसमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है तथा आर्थिक तंगी दूर होती है। वहीं तुलसी जी का पूजन किया जाए और तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित की जाए, जिससे आर्थिक तंगी दूर होती है तथा नौकरी में बाधाएं आदि दूर होती है। और उसके पश्चात तुलसी में घी का दीपक लगाया जाए और तुलसी जी की 11 परिक्रमा की जाए, उससे घर में आ रही समस्या तथा व्यापार संबंधी समस्या तथा नौकरी संबंधी समस्या ये दूर होती है। और उसी प्रकार घर में इस दिन जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा लगाया जाए, तो इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन मंगलमय तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। तथा भगवान तुलसी को बड़ा प्रिय कर माना जाता है कि तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपांच मंजरी, तुलसी का भोग लगाया जाए भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी के समीप ये उपाय करने से घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, सौभाग्य आदि प्राप्त होता है।